महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के गठबंधन वाली उद्धव सरकार को लेकर के अटकलें तेज हो चुकी है। आज ही बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की तरफ से बयान जारी किया गया था कि मार्च 2022 तक भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बना लेगी, यानी कि एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली भ्रष्ट सरकार मार्च 2022 तक गिरेगी, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में नई सरकार बनाएगी। पूरे दिन सभी टीवी चैनल्स पर यह खबर है वो छाई रही और शाम होते होते जो खबर आई उसने महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचा करके रख दी। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंच चुके हैं। उनके बीच में एक लंबी मीटिंग चल रही है और बताया जा रहा है कि चंद्रकांत पाटिल जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र से, वो भी वहां पर मौजूद हैं। एक बड़ी डील वहां पर हो सकती है और इससे पहले देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली में महाराष्ट्र के राजनीति को लेकर के अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बाद नारायण राणे की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया था। और नारायण राणे में ये भी कहा था कि चंद्रकांत पाटिल जो महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से ये बयान जारी किया गया है और इसको सच साबित करके दिखाएंगे, यानी कि मार्च 2022 तक महाराष्ट्र की भ्रष्ट उद्धव सरकार गिरेगी। ये बात खुद नारायण राणे और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कही गई है, तो कहीं ना कहीं उनकी एक सोच हो सकती है, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी हो सकती है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं। लेकिन शरद पवार अमित शाह से मिलकर के किस तरह का पावर गेम खेलेंगे, पवार गेम खेलेंगे, ये काफी देखने लायक होगा। जिस तरह से अनिल देशमुख जेल की सलाखों के पीछे है 100 करोड़ रुपए वसूली कांड को लेकर के, या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले को लेकर के, अन्य भी कई तरह के भ्रष्ट मामलों में अनिल देशमुख फिलहाल सलाखों के पीछे है। उनको बचाने की कोशिश एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने की, उद्धव ठाकरे उनको बचाने में कहीं ना कहीं नाकाम रहे और बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे फिलहाल हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है जिसके चलते वो आराम फरमा रहे हैं। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में जो शरद पवार पावर गेम खेल रहे हैं उसमें शिवसेना को बड़ा झटका लगने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इस तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचा देने वाला बयान आज नारायण राणे ने जारी किया और शाम होते होते एनसीपी प्रमुख शरद पवार अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली भी पहुंच जाते हैं। वहां पर बीजेपी के जो महाराष्ट्र बीजेपी के नेता हैं वो भी मौजूद हैं, बताया जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार को लेकर के एक बार फिर से अटकलें शुरू हो चुकी है। हालांकि अमित शाह से शरद पवार की मुलाकात के बाद किस तरह की चर्चाएं हुई होगी इस पर किसी तरह का कोई जो जानकारी है वो बाहर नहीं आई है, इस पर संशय अभी भी बरकरार है। लेकिन शरद पवार जिस तरह से राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं उनको देख करके ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वो कोई ना कोई पावर प्ले, कोई ना कोई पावर गेम अपनी तरफ से खेलेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी मार्च 2022 तक महाराष्ट्र में सरकार बना पाएगी। इस तरह की चर्चाएं अब लगातार चल रही है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि जब एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली सरकार बनाई थी उस दौरान भी एनसीपी और शिवसेना के बीच में कुछ ऐसी सीक्रेट डील हुई थी जिसके तहत 50-50 फार्मूले पर एनसीपी और शिवसेना मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले थे। और इसी को लेकर के ही एक चर्चा पिछले दिनों भी हुई थी, एक मराठी पत्रकार थे समित ठक्कर, उनकी तरफ से कहा गया था कि डिप्टी सीएम की गद्दी है वो आदित्य ठाकरे को सौंपी जाएगी और सीएम की गद्दी है वो अजीत पवार को सौंपी जाएगी। अजीत पवार 25,000 करोड़ रुपए के सहकारी बैंक घोटाले में फंसे हुए हैं, आरोपी हैं, जो फिलहाल महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम की गद्दी पर बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही सीक्रेट डील को लेकर के चर्चाएं तेज हुई तो ये कहना शुरू हो गया कि उद्धव ठाकरे अब सीएम गद्दी छोड़ रहे हैं और 50-50 फार्मूले के तहत ही अजीत पवार को सीएम गद्दी पर बैठाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से आज शरद पवार ने जो पावर गेम खेला है, या कह सकते हैं कि राजनीति में जो एक तरह से अपनी साख एनसीपी खो चुकी है, किस तरह से 100 करोड़ रुपए का वसूली कांड हुआ, किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग मामला सामने आया, इसके अलावा भी अनेकों ऐसे भ्रष्ट मामले सामने आए,
जिसमें एनसीपी और एनसीपी के नेताओं ने अपनी साख है वो खो दी। महाराष्ट्र की जनता का भरोसा है वो एनसीपी के साथ साथ महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली सरकार से उठने लगा, तब शरद पवार की तरफ से ये पावर गेम खेला जा सकता है। कहा जा सकता है कि आने वाले समय में बड़ा फेरबदल है वो महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जाएगा। उस फेरबदल की सबसे बड़ी जो सबसे मुख्य हेडिंग होगी वो यही कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार गिरी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे फिलहाल मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, वैसे भी वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उनकी गैर मौजूदगी में शरद पवार किस तरह के पावर गेम खेल रहे हैं ये भी काफी दिलचस्प है। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचाने वाला जो कदम है वो शरद पवार उठा चुके हैं। इससे पहले भी शरद पवार कई बार कह चुके हैं कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठा करके उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। और इस 50-50 फार्मूले को लेकर के जो सीक्रेट डील का जो मामला सामने आया है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी डिप्टी सीएम की गद्दी पर आदित्य ठाकरे को बैठाने का फैसला लिया, सीएम की गद्दी पर अजीत पवार को, इसके अलावा होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर बदलने की चर्चा भी तेज हुई थी, लेकिन इसको लेकर के अभी तक अंतिम मोहर नहीं लगी है। उससे पहले ही बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने, या यूं कहें कि महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की तरफ से साफ कह दिया गया है कि ये भ्रष्ट महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार मार्च 2022 तक ही चलने वाली है। हालांकि मार्च 2021 में ही ये सरकार गिर जाती यदि देवेंद्र फडणवीस एनसीपी को एक्सेप्ट करते। लेकिन अब किस तरह का बीच का रास्ता निकाला जाएगा शरद पवार के साथ मिलकर के, किस तरह से एनसीपी के साथ बीजेपी सरकार बना पाएगी, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। और ऐसे में संशय अभी भी बरकरार है कि क्या शरद पवार के साथ बीजेपी जाएगी, क्या एनसीपी के साथ जाकर के बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बना पाएगी, या फिर अकेले दम पर किसी तरह से महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है इसमें इस सरकार के अंदर फूट डाल करके बीजेपी किसी तरह का कोई नया गेम खेलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि अमित शाह से मिलने के लिए शरद पवार दिल्ली पहुंचे हुए हैं, इस तरह की खबर सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी के कई वरिष्ठ अन्य नेता भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में शरद पवार कोई सीक्रेट डील भी अमित शाह से कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर के लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, उससे ये तो साफ हो चुका है कि महाराष्ट्र की जनता के बीच में काफी ज्यादा विरोध उद्धव सरकार का हो चुका है। शिवसेना के नेताओं में भी काफी ज्यादा विरोधाभास देखने को मिल रहा है, इस तरह की खबरें पहले भी सामने आ चुकी है। फिलहाल महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार को लेकर के आपके क्या विचार हैं, और एनसीपी प्रमुख शरद पवार अमित शाह से मिलकर के किस तरह का पावर गेम खेल सकते हैं, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या भारतीय जनता पार्टी मार्च 2022 में सरकार बनाने का जो दावा कर रही है इस दावे में दम है, इस पर भी आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।